चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा डिटेल से करेंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि पहले ये सिलेबस में नहीं था, इसको इधर ऐड किया गया है, ठीक है, जिसकी वजह से ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। यस मैम। चलिए से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये भी ब्लड रिलेटेड ही डिसऑर्डर है, ब्लड डिजीज है, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग दे दीजिए थैलेसेमिया। थैलेसीमिया जब देखना स्टार्ट करेंगे ये भी एग्जैक्टली कैसा है। यहाँ भी वही बोलते हैं, जब कभी भी आपको अनीमिया सुनने को मिलेगा इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं क्या इंटरप्ट और डिस्टर्ब होगा, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में आने स्टार्ट हो जाएंगे उससे, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलेसीमिया बोलते हैं, ठीक है। थैलेसेमिया जो है ये दो टाइप्स के होते हैं, इसके टाइप्स जो है उसको हम बाद में देखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज, अगर आपसे पूछा जाता है कि थैलेसेमिया जो है ये किस टाइप का डिसऑर्डर है, ठीक है, मैंने आपको समझाया था कि जब आप क्या देखना स्टार्ट करते हैं, अपनी बॉडी के क्रोमोजोम्स को देखना स्टार्ट करते हैं, ये जो क्रोमोजोम्स हैं, ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपके पास 22 पेयर्स ऑफ क्या है, ऑटोजोम्स है। क्या है ये, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, ऑटोजोम्स का मतलब समझते हैं आप, मतलब ये वैसे क्रोमोजोम है जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आपकी बॉडी में इनका सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई भी रोल नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इनका, ठीक है। और ये जो ऑटोजोम्स है, यहाँ पे आपके पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या है पता है, बहुत सारे डिसऑर्डर सब मैं बताना स्टार्ट करूंगी, सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपको क्रोमोजोम नंबर याद रखना पड़ेगा। क्रोमोजोम नंबर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, नीट के एग्जाम में देख लीजिएगा, इससे कंसर्न जो है वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लैंग्वेज चेंज रहेगा, है ना, और इससे आपको क्वेश्चन। अब दूसरी बात, दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे ये है वो ये है, ऐसे समझिए, मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जीन बनाया, जीन्स अवेलेबल है हर जगह पे, क्या होगा, जीन्स होगा, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि जीन का रिप्रेजेंटेशन भी आपको याद करना पड़ेगा, है ना, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने आप में, और इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे मैं इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको बढ़ाती हूँ, देखिए सिर्फ आप ही लोगों के क्लास के टाइम में ना ये एरर शो करना स्टार्ट करता है, बाकी सारे क्लासेस में सही चलता है। मेरे ख्याल से इसको जूम से प्रॉब्लम है इस ऐप को, यहाँ स्क्रीन शेयर होता है ना, बाकी जगहों पे कोई दिक्कत नहीं आती है, यहाँ पे स्क्रीन शेयर में ये थोड़ा हैंग करना स्टार्ट कर देता है। चलिए पहला पॉइंट, मेरी आवाज जा रही है, आवाज जा रही है ना, यस मैम। हाँ, पहली चीज, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है या सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, क्या ये ऑटोसोम से कनेक्शन रखता है या सेक्स लिंक्ड, क्योंकि मैंने एक्स वाई की तो बात ही नहीं करी, है ना, तो ये क्या है, थैलेसीमिया क्या है, और ना ऐसा कभी आपने सुना होगा टेलीविजन पे बोलते हुए, जैसे ये तो हम लोग बचपन में भी सुनते थे कि जैसे किसी ने बोला कि मेल्स को कलर ब्लाइंडनेस होता है, फीमेल्स को नहीं होता, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बट प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताई है काफी कम होता है फीमेल्स में, जिसकी वजह से हमने ऐसा कभी भी नहीं सुना कि फीमेल्स को क्या होता है, कभी भी कलर ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग थैलेसीमिया के केस में ऐसा कभी भी नहीं सुनते। तो फर्स्ट पॉइंट इसका यही हो जाएगा, पहला जो पॉइंट है, अब तो टेलीविजन पे भी काफी डिस्कशन दिखाते हैं इसके बारे में, है ना, बच्चा बेचारा विक्टिम हो जाता है इस केस में, इसलिए, ठीक है, क्या है ये, व्हाट इज दिस, तो ये है, दिस इज एन ऑटोसोमल या ऑटोसोम बोल सकते हैं, दिस इज एन ऑटोसोम, क्या है ये, ऑटोसोम लिंक्ड
ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ब्लड डिजीज, क्या है ये? रेसेसिव ब्लड डिजीज। अब इसमें से अगर मैं आपसे बोलूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हर एक वर्ड, ईच एंड एवरी वर्ड जो है इसमें क्या है, क्वेश्चन है। कैसे? ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है, या ऑटोसोमल भी है सेक्स लिंक्ड है, ये भी क्वेश्चन है। रिसेसिव टाइप ऑफ डिजीज है, डोमिनेंट टाइप ऑफ डिजीज है, बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव टाइप ऑफ डिजीज है, ये भी क्वेश्चन है। रिसेसिव टाइप ऑफ डिजीज है, ब्लड डिजीज है, हार्ट डिजीज है, किडनी डिजीज है, लंग डिजीज है, तो क्या है ये? ब्लड डिजीज है, ठीक है। और ब्लड डिजीज ज्यादा खतरनाक होते हैं, जो आप अभी देख रहे हैं। ब्लड को क्या है भाई, पूरी बॉडी में फ्लो होना है ना, तो ये इसकी वजह से क्या हो जाता है, थोड़ा ज्यादा टेंशन कॉज करता है ये, है ना। अब यहाँ पे ये कैसे एग्जैक्टली उसी तरीके से पास ऑन होगा जैसे मैंने आपको पिछला केस बताया था, सिकल सेल एनीमिया का बना के आपको बताया था, एग्जैक्टली ये भी कैसे होगा, तो इसके भी आगे जाने का एक ही तरीका है, एक ही तरीके से ही आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। कैसे? हाउ? तो इसके कैरी फॉरवर्ड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको इसको होना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हो जाए, जो पेरेंट्स हैं, दोनों पेरेंट्स को हेट्रोजाइगस होना पड़ेगा। कैसा होना पड़ेगा? हेट्रोजाइगस होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही हमने बोल दिया कि रिसेसिव ब्लड डिजीज है, ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए थैलेसेमिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख लीजिए? थैलेसेमिया इज ट्रांसमिटेड, थैलेसेमिया इज ट्रांसमिटेड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझ सकते हैं क्योंकि आपने पिछला केस समझा था। तो कैसे ट्रांसमिट होगा ये? ट्रांसमिटेड फ्रॉम, अब ऐसा नहीं है कि कोरोना जैसा बाहर गए घूमने हवा में, बोले भाई हमें थैलेसेमिया हो गया, हवा से हो गया, पानी से हो गया, या टच हो गए, कंटामिनेशन से हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, है ना, क्या पढ़ रहे हैं आप लोग। और जेनेटिक में भी मेंडेलियन डिसऑर्डर है ये, यहाँ पे मेंडेलियन डिसऑर्डर मतलब अच्छा खासा पनेट्स पर बनाते हैं, रूल रेगुलेशन फॉलो करता है। तो ये क्या है, कैसे ट्रांसमिट होगा? तो इसके ट्रांसमिट होने का एक ही तरीका है कि कैसे हो जाइए, फ्रॉम पेरेंट्स, कैसे होगा ये, पेरेंट्स से होगा, टू द पेरेंट्स, टू द ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग होगा ये, ठीक है। यानी एक्सटर्नल कोई फैक्टर यहाँ पे जिम्मेदार नहीं है, जब भी जाएगा तो पिछले जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ये कैरी फॉरवर्ड होगा। कब होगा ये? व्हेन, व्हेन बोथ द पार्टनर्स, व्हेन बोथ द पार्टनर्स, व्हेन बोथ द पार्टनर्स, ठीक है, आर अनअफेक्टेड कैरियर। अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट बात है, कैसे है ये, आर अनअफेक्टेड कैरियर, आर अनअफेक्टेड, जीन में था बैठा हुआ, पता ही नहीं चला दोनों को कि भाई दोनों ही अफेक्टेड हैं, मतलब जेनेटिकली जीनोटाइप वाइज, ऐसे फेनोटिपिकली क्या है ये, अनअफेक्टेड कैरियर है ये, क्या है ये, अनअफेक्टेड कैरियर है। बट हाउ अनअफेक्टेड कैरियर, मैंने क्यों बोला यहाँ पे, क्यों बोल रही हूँ मैं अनअफेक्टेड कैरियर, तो ये अनअफेक्टेड कैरियर बोल रही हूं मैं फेनोटिपिकली, अनअफेक्टेड कैरियर मैं कैसे बोल रही हूँ, उसको किस बेसिस पे बोल रही हूँ, फेनोटिपिकली, फेनोटिपिकली, ठीक है, ये कैसे होंगे, फेनोटिपिकली होंगे, ठीक है। और दूसरी क्या बात हम लोग लिख सकते हैं इसके रिगार्डिंग, ये क्या है, हेट्रोजाइगस केस होगा ये, दैट इज बोथ पेरेंट्स, दैट इज बोथ द पेरेंट्स, बोथ द पेरेंट्स आर, बोथ द पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस। अब हेट्रोजाइगस का मतलब समझते हैं आप लोग, हर एक बच्चा समझता है हेट्रोजाइगस का मतलब, यानी कि यहाँ पे एक नॉर्मल होगा और दूसरा जो जीन है वो अफेक्टेड कैरी करेगा, तो क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हेट्रोजाइगस यहाँ पे हो जाएगा।
अब हेटरोजाइगस होने पे ये क्यों आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा उसका मैं रीजन बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को क्लियर है? Yes, ये पॉइंट तो क्लियर है आपको, हर एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देख लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। जैसे मैं क्या बोल रही हूँ, मैं आपको समझाती हूँ एक रफ वर्क के थ्रू, है ना। मैंने यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन लिख दिया, मैंने क्या किया, अपने मन से एक एमसीक्यू बना दिया यहाँ पे, ऐसा होता है, आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, थैलेसीमिया लिखा, क्या लिखा मैंने, अब ये सही हो जाए तभी तो लिखूं मैं, आपसे पूछा जाएगा थैलेसीमिया कैसे कैसे कब कब किस कंडीशन में हो सकता है, तो कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि ऑप्शंस देखिए इसके, थैलेसीमिया अकर्स व्हेन, पहला ऑप्शन कब होगा, बोथ द पेरेंट्स आर जेनोटिपिकली नॉर्मल, ऐसा हो सकता है क्या, सही है ये? नो मैम, नो मैम, हाँ नॉर्मल, ठीक है। अब एक दे रहा है व्हेन, मैंने यहाँ पे व्हेन लिख दिया, वन पेरेंट इज जेनोटिपिकली, वन पेरेंट इज जेनोटिपिकली नॉर्मल व्हाइल अनदर पेरेंट इज जीनोटिपिकली हेट्रोजाइगस। अफेक्टेड भी लिख सकती हूँ मैं इसके बदले अफेक्टेड भी लिख सकती हूँ, हेट्रोजाइगस का मतलब ही अफेक्टेड हो गया। ऐसे में हो सकता है, इस बी केस में हो सकता है, यस और नो? नहीं, सी केस, व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस। भाई ऑटोजोम्स तो बनाया ही इसलिए गया है कि वो होमोजाइगस कंडीशन में बैठे हो, ये तो नया ही ड्रामा लेके आ रहा है यहाँ पे हेट्रोजाइगस का। और ये कैसे हेट्रोजाइगस, किस चीज के लिए, अफेक्टेड जीन्स कैरी करने के लिए हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो ये सी का केस हो जाएगा, किसी बच्चे ने पढ़ाई की ही नहीं है। तो थैलेसीमिया अकर्स व्हेन एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अगर ऐसा लिख दिया जाए, व्हेन एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, व्हेन एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट जीन्स, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा वो बच्चे टिक करेंगे जिन्होंने अभी बोर्ड का एग्जाम नहीं दिया, जिनको कोरोना याद होगा, बस पढ़ाई लिखाई छोड़ के बस कोरोना याद होगा, वो डी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी टिक कर सकते हैं, बच्चों की मर्जी है वहां पे, है ना। बट जब आप इसकी डिटेलिंग करना स्टार्ट करें, अगर आप में से किसी बच्चे का ये डाउट है, अगर आपको लगता है हमें नहीं समझ आया, तो एक एग्जाम्पल लीजिए इसके लिए, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा कंफ्यूज हो इस बी ऑप्शन को देख के, तो इसके लिए मैं एक और कंफ्यूजन आप लोगों के लिए दूर कर देती हूँ। सो देखिए क्या है, ऐसे बनाइए, किस चीज का केस आप यहाँ पे बना रहे हैं, थैलेसीमिया का बना रहे हैं, किसका बना रहे हैं, थैलेसीमिया का आप यहाँ पे केस बना रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एक अफेक्टेड केस बनाते हैं, कैसा बनाते हैं, एक अफेक्टेड केस यहाँ पे बनाते हैं, मान लीजिए मैंने एक केस कैसा बनाया है, ये होमोजाइगस है, ये कैसा है, होमोजाइगस है, ये कैसा है, यहाँ पे होमोजाइगस है, ठीक है। अफेक्टेड वाला जब हम देखना स्टार्ट करते हैं, मतलब अलग अलग हम लोग इसको लिखेंगे, अगर होमोजाइगस पेरेंट की होमोजाइगस पेरेंट के साथ क्रॉसिंग करा देंगे, एक केस ऐसा हो सकता है, एक केस ऐसा हो सकता है कि होमोजाइगस पेरेंट की क्रॉसिंग हम लोग किसके साथ करा देंगे, हेट्रोजाइगस पेरेंट की। और मान लीजिए ये छोटा वाला अफेक्टेड है, छोटा वाला क्या है, बिकॉज रिसेसिव है, छोटा वाला क्या है, अफेक्टेड है, तब भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप दोनों पेरेंट को, अगर मान लीजिए मैं स्मॉल ए ही कर दूं, ऐसे पता नहीं चल रहा ज्यादा, कैपिटल ए स्मॉल ए, जब इसका पेरेंट स्क्वायर बनाएंगे और दोनों ये स्मॉल ए एक साथ मिलेगा, तब जाके हम बोल सकते हैं कि बच्चे को वो डिसऑर्डर जो है वो आगे जाके अफेक्ट कर सकता है, ऐसे कोई भी फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, ठीक है।
चलिए ये एक क्वेश्चन था, चाहे तो आप लोग लिख सकते, नहीं तो मैं हटा दूंगी इसको बाद में, है ना। प्रीवियस पेज पे आते हैं जो हम लोग कर रहे थे बेसिकली, दिस वन। चलिए तो कंडीशनिंग सीखी आप लोगों ने कि कैसे कैसे ये ट्रांसमिट होता है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, ठीक है, रीजन की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि रीजन क्या हो सकता है इसके लिए, कौन सा रीजन जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट जो यहाँ पे डिस्कशन है वो किसके रिगार्डिंग कर लेते हैं, रीजन के रिगार्डिंग करते हैं, ठीक है। इसका हम लोग क्या करते हैं, रीजन देख लेते हैं, ठीक है। रीजन जब आप देखना स्टार्ट कीजिएगा तो रीजन में बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं समझा रही हूं। अब यहाँ पे रीजन इसका ये है कि आपको मैंने हीमोग्लोबिन के अंदर, किसके अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर, ठीक है, रफ वर्क करके यहाँ पे बता रही हूँ। अगर हीमोग्लोबिन है तो हीमोग्लोबिन के अंदर मैंने आपको दो अल्फा चेन और दो बीटा चेन बताए थे। बहुत ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डायग्रामेटिकली बढ़िया से बता दूंगी। अभी आप छोटी सी बात समझिए कि यहाँ पे क्या है, दो अल्फा चेन है और दो बीटा चेन है, दो क्या है, बीटा चेन है, किसके पास, हीमोग्लोबिन के पास, ठीक है। एरर समझिएगा ध्यान से, क्या होता है, अल्फा चेन में अगर कोई खराबी हुई तो उसको अल्फा थैलेसीमिया बोलते हैं, और बीटा चेन में अगर कोई खराबी होती है उसको हम लोग बीटा थैलेसीमिया बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हम लोग बीटा थैलेसीमिया बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके लिए मैं आपको जीन का नंबर बताऊंगी अभी आगे जाके, ठीक है। लेकिन कुछ म्यूटेशन हो जाता है, कुछ क्या हो जाता है, यहाँ पे म्यूटेशन हो जाता है किसमें, तो इसको बनाने वाले जो जीन्स हैं, जीन का जो नंबर है ना, दोनों केसेस के लिए हम लोग, और क्रोमोसोम नंबर जो है दोनों केसेस के लिए मैं आपको अलग अलग यहाँ पे बताऊंगी, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका रीजन जो है वो मेंशन कर लेते हैं। तो रीजन क्या होगा, थैलेसीमिया अकर्स ड्यू टू, लिखिए आप लोग, थैलेसीमिया अकर्स ड्यू टू डिफेक्ट इन थैलेसीमिया अकर्स ड्यू टू डिफेक्ट, या तो डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है, और म्यूटेशन, म्यूटेशन तो पता ही आप लोगों को, सडन चेंज इन डीएनए और जेनेटिक मटेरियल, अकर्स ड्यू टू डिफेक्ट और म्यूटेशन, ठीक है, और डिलीशन, और डिलीशन सब कुछ जानते हैं आप, और डिलीशन, और डिटेल में ये सिक्स चैप्टर में है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। फिर से वहां पे म्यूटेशन आ रहा है, वहां पे मैं याद कराऊंगी, याद कीजिए, थैलेसीमिया में ऐसा होता था, सिकल सेल एनीमिया में ऐसा होता था, तो डिफेक्ट भी हो सकता है, कुछ अदर इफेक्ट, मतलब डिफेक्ट भी हो सकता है, म्यूटेशन भी हो सकता है, डिलीशन भी हो सकता है, ठीक है। किस चीज का, यहाँ पे क्रोमोसोम्स में, और डिलीशन जो किस चीज को लीड करता है, विच अल्टीमेटली लीड्स टू, विच अल्टीमेटली, अल्टीमेटली leads to, which ultimately leads to, क्या करेगा ये, इसकी वजह से reduced rate हो जाएगा, मतलब कि जो synthesis होना चाहिए था alpha beta chain का वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, to reduced rate of synthesis of, synthesis of
one of the globin chains. सिकल सेल एनीमिया में क्या हो रहा था, कोई बताएगा मुझे, कोई भी स्टूडेंट? सिकल सेल एनीमिया में क्या हो रहा था मैम? इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन का सिंथेसिस। थोड़ा सा याद कीजिए, वहां पे आरबीसी कैसा हो जा रहा था, सिकल शेप हो जा रहा था, याद है? वहां पे आरबीसी जो है वो सिकल शेप्ड हो जा रहा था। तो आगे जाके पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द सिम्टम्स ऑफ थैलेसीमिया एंड, या फिर रीजन ऑफ थैलेसीमिया एंड सिकल सेल अनीमिया, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? तो अल्फा एंड बीटा ये जो चेन्स हैं, ठीक है, इसमें अगर कोई खराबी है, डिफेक्ट है, तो उसकी वजह से थैलेसीमिया होता है। बहुत अच्छे से समझिएगा, तभी मैं बार 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 आपको बोल रही हूँ कि इन दोनों को ध्यान से समझिएगा। जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं, किस चीज के अंदर, थैलेसीमिया में और सिकल सेल एनीमिया में, किसमें? थैलेसीमिया में और सिकल सेल एनीमिया में। हाँ, ऐसे समझिए, देखिए एक छोटी सी बात, ताकि आप, रफ में बता रही हूँ बट एटलीस्ट आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा उससे। इस शायद ऐसा भी हो कि इस बेचारे को ब्लैक बोर्ड पसंद नहीं आ रहा होगा, इसे मैंने चेंज कर दिया, बहुत ज्यादा एरर शो कर रहा था उसमें। देखिए, एक तरफ मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, एक तरफ क्या लिखा मैंने, थैलेसीमिया, और एक और है, एक और कौन सा, हीमोफीलिया है, एक और कौन है, हाँ हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है। अब मैं कौन सा यहाँ पे फेयर कर रही हूँ, यहाँ पे उस बेचारे को भी लिखी देती हूँ, यहाँ पे हीमोफीलिया है, ठीक है? तो सोचिए आप अपने आप को चेक कैसे कर सकते हैं, क्या आप तीनों का रीजन जानते हैं? सिकल सेल एनीमिया अकर्स ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन, याद आया? रीजन क्या है इसका, पॉइंट म्यूटेशन है। थैलेसीमिया, अल्फा एंड बीटा ग्लोबिन चेन, याद आया? क्रोमोसोम नंबर अभी बताऊंगी आपको, उसके लिए मत करवाइए। हीमोफीलिया क्यों हो रहा है, यहाँ पे कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स आर एब्सेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, याद आया? यहाँ पे माइनर कट में हैवी ब्लीडिंग होगी, यहाँ तो बेचारा कहानी खत्म है इसकी। जब हीमोग्लोबिन का ही यहाँ पे क्या है, बेड़ा गर्क है, तो फिर आप समझ ही जाइए क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया। तीनों इसके बारे में भी, ये ब्लड डिजीज है। सोचिए कितनी बारीकी आपको यहाँ पे जेनेटिक्स चैप्टर में दी जा रही है कि तीनों अनीमिया है, तीनों, इसको क्या बोला गया, अनीमिया, इस बेचारे ने तो नाम में ही लगा दिया। थैलेसीमिया क्या है, यहाँ भी अनीमिया में क्या होता है, साधारण भाषा में, हिंदी में जिसको हम लोग बोलते हैं खून की कमी। तो खून की कमी का क्या मतलब भाई, आरबीसी इंटरप्ट है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के लिए, आपके ब्लड में कुछ है ही नहीं, मतलब आपका ब्लड नाम का है, काम का है ही नहीं, तो खून की कमी हो गई। थैलेसीमिया, यहाँ पे हीमोग्लोबिन का आपको पता है कितना बड़ा रोल है, बेचारा वही अफेक्टेड है, तो हो गई खून की कमी। हीमोफीलिया में एक माइनर कट हुआ, ठीक है, सब कुछ सही सलामत है, इस बेचारे का आरबीसी ठीक है, हीमोग्लोबिन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक माइनर ऐसा तो है नहीं कि कोई पैदा हुआ है तो फिर ब्रह्मा जी से लिखवा के लाया कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, कट होगा ही नहीं मेरे लाइफ में कभी। इसके यहाँ पे कहीं पे कोई माइनर कट होता है तो ये हैवी ब्लीडिंग को लीड करता है। तो तीनों में कितना डिफरेंस है, पता चला आपको, है ना? तीनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। फिर हम लोग रीजन के साथ साथ क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या है नहीं है, थैलेसीमिया का देखेंगे, फिर आप लोग डिटेल में इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? चलिए, आज से वन बाय वन करके मैं एक एक टॉपिक देना स्टार्ट करूंगी बच्चों को, क्योंकि वैसे कभी टाइम नहीं निकलेगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक एक स्टूडेंट को एक एक टॉपिक देती जाऊंगी क्लास में इन करने के बाद, 5 मिनट्स पहले आप एक्सप्लेन करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है? ताकि मुझे पता चले पढ़ाई वढ़ाई चल रही है आप लोगों की या नहीं चल रही है, है ना? तो ये आपने प्रीवियस पेज पे देखा था जहां मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि एक जो चेन है ग्लोबिन का, है ना, उसके अल्फा या बीटा चेन में, चाहे तो अल्फा में हो चाहे तो बीटा चेन में, बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, ठीक है भाई? अल्फा चेन में खराबी होगी तो अल्फा थैलेसीमिया होगा, है ना, बीटा चेन में खराबी होगी तो बीटा थैलेसीमिया होगा, ठीक है?
इसकी वजह से होता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये आगे जाके लीड करता है किस चीज को, आगे जाके इसी की वजह से क्या होता है, जिस रेट में हीमोग्लोबिन बनना चाहिए था, हीमोग्लोबिन बनने को तो हम तभी बोलेंगे ना जब वो बेचारा फंक्शनल होगा या काम करेगा ढंग से, ठीक है। तो ये कॉज, ये लीड करेगा, दिस रिजल्ट्स इन, दिस रिजल्ट्स इन द एबनॉर्मल, एबनॉर्मल। अब कैसे मान लीजिए फिजिकली कोई बच्चा चैलेंज्ड है ना, तो नॉर्मल तो हम उसको बोलेंगे नहीं, एबनॉर्मल तो हमें लिखना ही पड़ेगा वहां पे, बन रहा है बट ये किसी काम काज का है ही नहीं, ये क्या है यहाँ पे, इंटरप्टेड है। तो दिस रिजल्ट्स इन द एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ, एबनॉर्मल फॉर्मेशन हो रहा है, होता है बट डिफेक्ट है वहां पे, एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, जो ग्लोबिन चेन के ऊपर गुमान होता है हीमोग्लोबिन को, हीम मतलब तो आयरन होता है जो फेरस बैठा है बीच में, प्रोटीनेशियस जो चेन है उसके बिना तो कहानी खत्म है इसकी, है ना। तो हीमोग्लोबिन का ही यहाँ पे क्या हो रहा है, एबनॉर्मल फॉर्मेशन हो रहा है, ये बहुत दुख की बात है यहाँ पे, ठीक है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स दैट रिजल्ट्स इन, दैट रिजल्ट्स इन इनटू, अब देखिए लिखिएगा ना यहाँ पे अनीमिया, खून की कमी, भाई काम नहीं कर रहा ब्लड आपकी बॉडी में तो क्या हो गया, अनीमिया को लीड करेगा ये। तो मैंने आपको बोला अनीमिया तीनों केसेस में यूज किया जाता है बट तीनों का मतलब अलग अलग है। तो ये क्या है, पहचान है, विच इज रेफर्ड एज, विच इज रेफर्ड एज कैरेक्टरिस्टिक, विच इज रेफर्ड एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस थैलेसीमिया, दिस थैलेसीमिया। ये इस थैलेसीमिया का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी खासियत है, उसका फीचर है, मतलब गुण तो नहीं है बट जो भी ऐसे वो पहचाना जाता है, ठीक है। अब कौन सा चेन अफेक्टेड है, कौन सा चेन क्या है अफेक्टेड है, उसके बेसिस पे ये थैलेसीमिया जो है, ये दो टाइप के होते हैं, थैलेसीमिया कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका अल्फा थैलेसीमिया, एक क्या होता है आपका अल्फा थैलेसीमिया, और एक क्या होता है यहाँ पे बीटा थैलेसीमिया, एक क्या होता है यहाँ पे बीटा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, ठीक है। उल्टा नहीं याद करना है, जैसे कई बच्चे अल्फा थैलेसीमिया में लिखते हैं बीटा चेन खराब होगा, बीटा थैलेसीमिया में लिखते हैं अल्फा चेन खराब होगा, ऐसा नहीं, जिसमें डिफेक्ट है उसको वही नाम दिया गया है, ठीक है। अल्फा थैलेसीमिया का मतलब है, ऐसे लिख लीजिए आसान भाषा में ताकि आपको याद रहे, साधारण भाषा में लिखिए यहाँ पे, प्रोडक्शन ऑफ, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ अल्फा थैलेसीमिया, नहीं, प्रोडक्शन ऑफ अल्फा चेन हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा ग्लोबिन चेन, अल्फा थैलेसीमिया तो नाम दे ही दिया हमने बेचारे का, प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन,
अल्फा ग्लोबिन चेन ऑफ एच बी लिख देती हूँ, आप समझ जाइएगा हीमोग्लोबिन है, ऐसे लिखा जाता है इसको, ऑफ एच बी हीमोग्लोबिन है ना, इज अफेक्टेड, इज अफेक्टेड। याद हुआ सबको, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें अल्फा ग्लोबिन चेन जो है वो अफेक्टेड, सीधा सीधा याद रखिएगा। मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को देखा उल्टा लिखते हुए, पता नहीं क्यों कंफ्यूज करते हैं बच्चे, मतलब अल्फा थैलेसीमिया में लिखते हैं बीटा ग्लोबिन चेन खराब होगा, बीटा थैलेसीमिया में लिखते हैं, भाई जो खराब है उसको उसी का नाम दिया गया, ठीक है, ऐसे समझिए। अल्फा थैलेसीमिया मतलब अल्फा चेन में खराबी, बीटा थैलेसीमिया मतलब बीटा चेन में खराबी, ऐसे याद रखिए तो कभी भी इसमें डाउट नहीं आएगा, ठीक है। बीटा थैलेसीमिया जहां पे आपने लिखा है, बीटा थैलेसीमिया में यहाँ पे नोट कीजिए इसको, दिस वन इज, इसका उल्टा कर देंगे यहाँ पे, सेम स्टेटमेंट है, कुछ आपको वेरी नहीं करना है, कुछ चेंज नहीं करना है, वैसे लिखिए ताकि आपको याद रहे। इसी भाषा में प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, ऐसे कर लीजिए, प्रोडक्शन ऑफ, इसको कर लीजिए, प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन इज अफेक्टेड, बस हो गया। ये मैंने आपको थोड़ा सा समझाया है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया, ठीक है। प्रीवियस पेज से आपने सीखा था कि व्हाट इज, ऐसे अभी क्लियर नहीं हुआ है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि इसका जो कॉज है वो क्लियर हुआ है, क्योंकि अभी हम लोग क्रोमोसोम नंबर पे नहीं गए हैं, उस पर हम लोगों ने बात नहीं करी है अभी तक, ठीक है। अब देखिए अल्फा थैलेसीमिया की बात करते हैं, पेज तो हम लोग देख रहे थे ये वाला, इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों के पास क्या आएगा, जैसे ये पेज है ना, दिस वन, आई गया ये, चलिए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। देखिए दो मैंने आपको लिखवाया है, दोनों में से मैं क्या करूंगी, अब किस पे मूव करूंगी, अल्फा थैलेसीमिया पे, किस पे मूव करूंगी, अल्फा थैलेसीमिया के ऊपर, बहुत ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ऐसे तो क्वेश्चन शुरू से ही स्टार्ट था, है ना, सब छोटे छोटे क्वेश्चन ही थे इसके, और डिटेलिंग स्टार्ट हो रही है, अल्फा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया क्या होता है, अल्फा थैलेसीमिया में पहला पॉइंट तो सबको पता है, फर्स्ट पॉइंट में तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं किसी को, जो मैंने आपको लिखा, इन द केस ऑफ अल्फा थैलेसीमिया, अल्फा ग्लोबिन चेन ऑफ, अल्फा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन इज अफेक्टेड, इसका मतलब है कि कोई ना कोई जीन होगा, ऑटोसोम्स की जो हमने पढ़ाई करी है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई प्रॉपर क्रोमोसोम होगा, जैसे समझिएगा मैं क्या बोलना चाहती हूँ, बच्चे बोलते मैडम हम कितना रटे हमें समझ नहीं आता, देखिए मान लीजिए ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये क्या है, 11 है, याद रखिएगा 11, जल्दी जल्दी लिखेंगे, 12, 13, 14, 15, 16, ये क्या है 16 है, दोनों का काम है इसलिए मैंने दो यहाँ पे मार्क कर दिया, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है, कहानी खत्म। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है, सो सुनो, यहाँ पे टू क्लोजली लिंक्ड जीन्स होते हैं, टू क्लोजली लिंक्ड कौन होते हैं, हाँ बोलिए, साउंड आवाज कर रहा है, नो मैम आवाज जा रही है, नॉर्मल मैम वॉइस, जोर जोर से कुछ आवाज कर रहा है, पता नहीं, मैं तो बहुत पीसफुल जगह पे बैठी हुई हूँ, कि किस चीज की आवाज जा रही है मुझे समझ नहीं आ रहा, बाकी बच्चों को भी जा रही है, नो कोई आवाज,
अच्छा देखिए, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, क्या बोल रही थी मैं, बोल रही, हाँ क्रोमोसोम नंबर की बात कर रही थी मैं। यहाँ पे क्या होता है कि अल्फा थैलेसीमिया के केस में क्रोमोसोम नंबर जो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, क्रोमोसोम नंबर जो आपको याद रखना है वो 16 याद रखना है। क्रोमोसोम नंबर 16, क्या बोला मैंने, क्रोमोसोम नंबर 16। कहाँ से 16 है मैंने आपको बात समझा दी, मतलब कि आपके पास जितने ऑटोसोम्स नंबर है, जैसे कैसे मैंने आपको अभी आगे जाके मैं डाउन सिंड्रोम बताऊंगी, थोड़ा बहुत कभी अगर बताया होगा तो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे 16, 17, 18, 19, 20, 21 डाउन सिंड्रोम जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बोलूंगी कि ट्राइजोमी ऑफ 21st। तो आपसे क्वेश्चन देख लीजिए, पक्का मिल जाएगा, कंफर्म्ड है, पूछा जाएगा कौन सा क्रोमोसोम रिलेटेड है डाउन सिंड्रोम के साथ, 20 है, 21 है, 22 है, 16 है, 15 है, 20 है, तो क्या होगा 21st, 21वां नंबर क्रोमोसोम। आपसे पूछा जाएगा अल्फा थैलेसीमिया किस क्रोमोसोम नंबर को बिलोंग करता है, क्रोमोसोम नंबर 16, 16। अल्फा थैलेसीमिया क्रोमोसोम नंबर 16, अल्फा 16 याद कर लीजिए, ठीक है। होता क्या है, अल्फा थैलेसीमिया जो है इस 16वें इस क्रोमोसोम को मैंने क्या किया, यहाँ पे बाहर कर दिया। रफ वर्क के थ्रू समझा रही हूँ, उसको समझिएगा ध्यान से। जो अल्फा थैलेसीमिया है इस केस में क्या है, यहाँ पे 16वां नंबर का जो क्रोमोसोम है, यहाँ पे टू टाइटली लिंक्ड जीन्स होते हैं, मतलब क्लोजली लिंक्ड जीन्स होते हैं, ठीक है। एक का नाम क्या है, HBA1, और दूसरे का नाम क्या है, HBA2। दूसरे का नाम क्या है, HBA2, ठीक है। कहाँ पे है ये, ऑन क्रोमोसोम नंबर 16, और ये तब होगा जब ऐसी खराबी मेल और फीमेल दोनों पार्टनर में होगी। क्या बोला मैंने, ये तब होगा जब ऐसी खराबी, जो इसको यहाँ पे मैं रफ मतलब यहाँ बना देती हूँ मैं इसको, तो यहाँ से हटा दूंगी, इस पर कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो ये तब होगा जब ऐसी खराबी दोनों ही पेरेंट्स में होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक पेरेंट में है दूसरे में नहीं है, वो तो आप खैर पनीर स्क्वायर से सीख ही जाएंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ऐसा एरर दोनों पेरेंट्स में आएगा तब जाके उसको क्या होगा, ये पेजी ये हो गया, तब जाके हम बोलेंगे कि उसको कौन सी बीमारी हो गई है, अल्फा थैलेसीमिया, ठीक है। फटाफट इसको मार्क कर देती हूँ मैं, चलिए, अल्फा थैलेसीमिया। क्रोमोसोम नंबर्स जो है वो मैं फ्यूचर के लिए बना देती हूँ यहाँ पे थैलेसीमिया, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स को देखते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे क्रोमोसोम्स को देखते हैं ताकि आपको याद रहे हमेशा के लिए एग्जाम में, ठीक है। व्हाट इज दिस क्रोमोसोम नंबर, पहले मैं दो जीन्स बना दूं यहाँ पे, चलिए ये है तो येलो पता चलेगा इस पे, और ये भी पता चलेगा, एक HBA1 है, एक HBA2 है, ठीक है। व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर इज 16। ये जो क्रोमोसोम है 16वें नंबर के, यस, क्रोमोसोम नंबर जो है दैट इज 16। क्वेश्चन है ये, देख लीजिएगा मिल जाएगा। क्रोमोसोम नंबर क्या है इसका, 16 है, ठीक है। जीन का नाम भी देते हैं हम लोग हर चीज के लिए, है ना, जीन का नेमिंग तो करेंगे ही करेंगे। क्लोजली लिंक्ड जीन्स हैं, एक है, एक को नाम दे रहे हैं हम, कह रहे हैं HBA1, एक को हम क्या नाम दे रहे हैं HBA1, और दूसरे को क्या नाम दे रहे हैं हम यहाँ पे HBA2, ठीक है। ये दोनों जीन्स कैसे हैं, ये जो जीन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, दीज टू जीन्स आर नंबर 1 एंड नंबर 2, ये क्या है, क्लोजली लिंक्ड जीन्स है। मैं मतलब ऐसे समझाने के लिए मैंने बता दिया, बट ये आसपास में होते हैं, तो अगर नहीं दिख रहा कहीं ऐसा ना आप इसको डिस्टेंट समझ लीजिए, तो मैं उसके लिए यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि ये जो जीन्स हैं ये कैसे हैं, टू क्लोजली, टू क्लोजली लिंक्ड जीन्स, टू क्लोजली लिंक्ड जीन्स। कहानी समझ आई आपको,
Which chromosome number is defected in the case of alpha thalassemia? Answer दीजिए. 16. ठीक है. उसके बाद name the genes which are responsible for controlling the alpha chain of hemoglobin in the case of alpha thalassemia. तो HbA1 and HbA2. अगर gene का नाम पूछे तो HbA1 and HbA2. ठीक है. तो यहाँ पे वो रब हो गया था मेरे से, फटाफट इसको कर लीजिए जो मैंने पिछले पेज पे लिखा था. एक तो वही हो जाएगा, एक पॉइंट तो यही हो जाएगा कि इन द केस ऑफ अल्फा थैलेसीमिया, इन दिस टाइप ऑफ थैलेसीमिया, इन दिस आप लोग, मैं एक लाइन तो आपने लिख लिया है, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट कीजिए. पहला तो आप लिख लीजिए इन दिस टाइप ऑफ थैलेसीमिया अल्फा चेन, इन दिस टाइप ऑफ थैलेसीमिया अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन और इज अफेक्टेड. हो गया ओवर. आगे लिख लीजिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट पॉइंट इज अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्रोमोसोम नंबर इज 16. ठीक है. इट अकर्स ड्यू टू डिफेक्ट इन क्रोमोसोम नंबर 16. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे क्या है, 16 है. 16वां क्रोमोसोम का नंबर है. ठीक है. दूसरे वाले में 11 हो जाएगा, तभी मैंने 2 मार्क किया था वहां पे. बट क्रोमोसोम नंबर 16 ऑफ ईच पेरेंट अगर अफेक्टेड होना है तो, क्रोमोसोम नंबर 16 ऑफ ईच पेरेंट, ये यहाँ पे हैरानी वाली बात है. बिकॉज इट्स नॉट अ डोमिनेंट डिसऑर्डर, रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो ईच पेरेंट का यहाँ पे होना पड़ेगा, तब होगा. ठीक है. तो ये क्या हो गया, 16 ऑफ ईच पेरेंट. ठीक है. तो 2 इसका खत्म और 2 उसका खत्म, तो टोटल यहाँ पे 4 हो गया. ऐसे भी समझ सकते हैं, मतलब जीन्स की बात कर रही हूँ मैं, क्रोमोसोम की बात नहीं कर रही हूँ, है ना. तो होता क्या है यहाँ पे, पहले तो आपने लिख लिया कि अल्फा चेन जो है वो क्या है, यहाँ पे अफेक्टेड है. ठीक है. क्रोमोसोम नंबर 16 जो है ये इसको कंट्रोल करने का काम करता है, लेकिन उस क्रोमोसोम नंबर 16 में क्या था, कोई खराबी आ गई, कोई एरर हो गया. ठीक है. अब जितना ज्यादा जीन अफेक्टेड होगा उतना कम क्या होगा, अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है प्रोड्यूस होगा. ठीक है. आगे लिख लीजिए, नेक्स्ट आप लिख सकते हैं. द मोर जीन्स अफेक्टेड, द मोर जीन्स अफेक्टेड. ठीक है. जितना ज्यादा जीन अफेक्टेड होगा उतना कम बनेगा अल्फा ग्लोबिन, है ना, कॉमन सेंस है. द लेस अल्फा ग्लोबिन, द लेस अल्फा ग्लोबिन, लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड.
ये किसकी कहानी है? ये अल्फा थैलेसीमिया की कहानी है, ठीक है? समझ आया आपको? अल्फा थैलेसीमिया समझ आया? एक चीज और याद रखिएगा, अल्फा थैलेसीमिया में मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे टू जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, लेकिन बीटा थैलेसीमिया में वहां कोई दिक्कत नहीं, वहां पे क्रोमोसोम 11 पे एक ही जीन है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने HBA नाम दिया है, तो वहां पे हम क्या देंगे? HBB नाम देंगे, बस एक ही जीन का, ठीक है? वहां पे दो का कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है? तो ये अल्फा थैलेसीमिया है। आगे मैं, हो सकता है कि मुझे कोई वैसी फोटो शोटो मिले तो मैं यहाँ पे लगा दूं, इसलिए जगह मैं खाली छोड़ रही हूँ, आगे बढ़ूंगी, ठीक है? बीटा थैलेसीमिया में मेंशन कर रही हूँ, नेक्स्ट बीटा थैलेसीमिया, ठीक है? नेक्स्ट आप लोग मेंशन कर लीजिए यहाँ पे बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया इसको देखिए क्या होता है, वो जब आपने एक सीख लिया दूसरा लिखने में टाइम नहीं लगता, वैसे ही सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करी जाती है। यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 11 है, यहाँ पे बस कहानी ये हो जाएगी कि यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम नंबर है, दैट क्रोमोसोम नंबर इज 11। ये कौन सा है? ये क्रोमोसोम नंबर 11। यहाँ पे क्या है? क्रोमोसोम नंबर 11 है, ठीक है? 11 है, 11 होने के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे, ये एक ही जीन है, बस वन जीन है। उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? दैट इज रिप्रेजेंटेड एज HBB। अच्छा, वहां क्या ड्रामा था? HBA1 लिखो, HBA2 लिखो, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, एक ही जीन है HBB, तो हमने यही सारे कैपिटल्स में लिख दिए यहाँ पे, ठीक है? अब इसके लिए आप यहाँ पे स्टेटमेंट दे दीजिए जो आप समझ रहे हैं जिस चीज को, वही कुछ नया नहीं लिखना है यहाँ पे। बीटा थैलेसीमिया के केस में क्या होता है? बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड, बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड by a single gene, by a single gene, क्या नाम है उसका? HBB, by a single gene, HBB, कहाँ पे? On chromosome number 11, on chromosome number, chromosome number 11, लेकिन कहाँ? 11 of each parent, मतलब इतना भी कॉमन नहीं है कि एक ही जैसा हुआ मिल गया और हो गया ये, लेकिन है कि थोड़ा, मतलब ये भी चेंज हुआ है, म्यूटेशंस वगैरह भी देखने को मिलते हैं, तो केसेस अब बड़े हैं पहले के कॉम्पिटेटिवली देखा जाए। ऐसा भी नहीं है कि हर बंदे को, दो को, तीन को छोड़ के वैसा है, वैसा भी नहीं है, तो दोनों का होना चाहिए, ऑफ ईच पेरेंट, तब जाके ये डिसऑर्डर जो है ये हो सकता है, ऑफ ईच पेरेंट। एक, हाँ, एक चार्ट है जो मैंने देखा है अवेलेबल, वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? और ये यहाँ पे वही चीज है, वही सेम कहानी है, कैसे हो रहा है ये, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए कि इट अकर्स ड्यू टू, इट अकर्स ड्यू टू, इट अकर्स ड्यू टू, किसकी वजह से होगा ये? म्यूटेशन ही एक रीजन है, ठीक है? म्यूटेशन तब होता है जब आपकी बॉडी का
कोई ऐसा पार्ट है, अब जैसे कोई सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, ठीक है, बहुत सारी चीजें। तो वहां पे जब आप ऑल्टरेशन कर रहे हैं तब म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है। किसी प्रॉपर जगह के सेल को जब ज्यादा इंटरप्ट किया जाता है तो वहां पे म्यूटेशन होता है, ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ वन और बोथ द जीन्स, ठीक। एक चार्ट है मेरे पास अवेलेबल, मतलब मेरे पास में गूगल पे है, वो मैं दिखाती हूँ आपको। बहुत अच्छा तरीका है रिप्रेजेंट करने का, सबसे अच्छा उससे रिप्रेजेंट होता है। ये बेचारा इतना ब्लिंक कर रहा है, रह रहा है कि पता नहीं उड़ जाए तो लिखा हुआ, इसलिए मैंने सेविंग पे डाल दिया है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो, यहाँ तक कोई डाउट किसी को है ना? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं हुआ। अब मैं एक जो है वो कैसे होता है, कैसे मतलब अफेक्टिव पेरेंट है, किस तरीके से वो रन करेगा, ये चीज जो है मैं यहाँ से आपको समझा देती हूँ। जब थैलेसीमिया नहीं पढ़ना था तो एक चार्ट शो कर रहा था थैलेसीमिया का, और अभी जब पढ़ रहे हैं आप लोग तो वो एक कलर वाला था, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। पंडित स्क्वायर ऐसा आप लोग बना सकते हैं इस तरीके से। पहले मैं एक को समझा दूं, फिर अगर दूसरा मिलता है तो मैं उसको समझा दूं, ठीक है, इसको समझा दूंगी। नहीं हुआ तो उसी पे समझा दूंगी, आपको समझाना ही चाहिए, बेचारा मूवी नहीं कर पाया। नहीं तो डायग्राम है, मतलब फोटो है ही अवेलेबल, उसी में मैं आपको क्लियर कर दूंगी। चलिए बेचारा काम नहीं कर रहा, इतना तो मेरे में पेशेंस नहीं है जितना ये लैपटॉप डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। चलिए कम से कम जगह पे आ गया है, समझाना बाद में लगाती रहूंगी। इधर देखिए, बस समझिएगा जो मैं समझा रही हूँ, ज्यादा आपको दिमाग नहीं खपाना है इसमें। देखिए क्या बोला मैंने, मैंने यहाँ पे बोला है ये क्या है, मदर है, और ये क्या है, फादर है, फीमेल है, मेल है, ठीक। अब ये मदर कैसी है, इसने क्या किया है कि जो ट्रेट्स है ना, इसकी बॉडी को हाफ हाफ करके बनाया, मतलब इससे आपको दिखा के आप किसी को भी समझा सकते हैं, बहुत अच्छा केस है ये, ठीक है। मदर जो है इसकी बॉडी में जो आपको केस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ये मदर कैसी है, ये मदर जो है ये कैरियर है, ठीक है। फादर भी है जो क्या है, कैरियर है। एक और फोटो है जिसमें दिखाता है कि जैसे ब्लू रेड ऐसे ऐसे करके दिखाया है, जिस बच्चे को थैलेसीमिया हो गया उसकी बॉडी पूरी रेड कर दी है, रेड ब्लू ऐसे ऐसे करके दिखाया हुआ होगा जरूर, मैं भी सर्च करती हूँ मिलेगा, है ना। तो होता क्या है, जब ऐसे केस का हम लोग पनेट स्क्वायर बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो पनेट स्क्वायर जब आप बनाएंगे तो जैसे कैसे मैंने आपको बोला था कि परसेंटेज, एक बॉक्स को हम लोग क्या मानते हैं, 25% मानते हैं। तो अगर मान लीजिए ऐसे दो केसेस आएंगे, ऐसे जो दो केसेस आएंगे तो ये 50% हो गया, अगर ऐसा एक केस आया तो ये क्या हो गया, 25%, अगर ऐसा एक केस आया तो ये 25%, ये मेजर माइनर ये सब क्या लिख रहा है ये मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे 25% ऐसा है जो अनअफेक्टेड है, नो थैलेसीमिया ट्रेट, यहाँ पे थैलेसीमिया का ट्रेट इसको नहीं दिख रहा। 25% जो बच्चे हैं ये पता है कैसा वाला ऑफस्प्रिंग है, ये जो है ये ऐसा ऑफस्प्रिंग है, इस बेचारे का बैड लक ये है
इसको इस फीमेल का भी ऐसा वाला जीन मिल गया जो रिस्पॉन्सिबल था इसको क्या करने के लिए, थैलेसीमिया कॉज करने के लिए, ठीक है। और क्या इसका बैड लक हुआ, इसको ऐसा जीन इधर से भी मिल गया जो थैलेसीमिया कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ये फोटो बहुत बढ़िया है, बहुत उम्दा है, कि जितनी तारीफ करी जाए कम है। मैंने इसको लॉक तो किया नहीं है, रब करूंगी तो उड़ जाएगा ये, फिर और टाइम वेस्ट होगा। चलिए दूसरा केस देखिए, ये ब्लैंक वाला जो है ना, सपोज कीजिए मैं इसको रेड से मार्क करती हूँ, ये 25% जो अनअफेक्टेड है, कुछ बच्चों का गुड लक भी तो होगा, जो इधर से ये नॉर्मल वाला मिला इसको, इस फीमेल से भी इसको नॉर्मल वाला मिला, ठीक है। अब इस बच्चे को क्या है, 50% ऐसे बनेंगे वहां पे, आपको पता है पनेट्स पर बनाते हैं तो आप ऐसा ही रिजल्ट देखते हैं। किसकी याद दिला रहा है पता है, ये वो मेंडल का जो आपने पी प्लांट यूज करके टॉल ड्वार्फ का नहीं बनाया था, वही केस बन रहा है यहाँ पे। आपने वहां पे नहीं लिखा था, उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ये मत एग्जाम में लिख के आ जाएगा। कैपिटल टी वन था, कैपिटल टी स्मॉल टी टू था, फिर स्मॉल टी ऐसे करके, ऐसे आपने बनाया नहीं था, है ना। तो इस तरीके से करके जैसे आपने क्या किया यहाँ पे, कैपिटल टी कैप, इस तरीके से जो आपने रेशियो बनाया था, सेम वैसा ही केस जो है ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके को, उसी केस को फिट करके आप यहाँ पे समझ सकते हैं। लेकिन ये बीच वाला मिड वाला जो चाइल्ड यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये ऐसा, ये क्या है, इधर से इसको अफेक्टेड जीन मिला है, इधर से इसको नॉर्मल जीन मिला है। अच्छा ये केस समझ आया या फिर से समझाऊं मैं, फिर से? तो यहाँ पे अवेलेबल है मेरे पास, अगर आपको नहीं समझ आया तो ये थोड़ा बड़ा होता तो कोई बात नहीं, समझ आ जाएगा इससे आपको, समझ अगर आपको नहीं समझ आया। हाँ तो बहुत बढ़िया फोटो है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि ऐसा ही एक और था रेड ब्लू कलर करके उसने समझाया था, मिले तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, ये भी अच्छा था जिससे भी आपको समझ आया होगा। इसने तो बॉडी पार्ट को ही हाफ ऑफ करके बना दिया, बहुत अच्छा था ये भी, एक रेड ब्लू करके यहाँ पे बताता है आपको। अब ये देखिए, एक जो आपको यहाँ पे 8 मई का जो दिखा रहा था वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, अब बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, नोट कर सकते हैं आप लोग। अब केसेस बढ़ गए हैं तो अवेयरनेस जगाने के लिए कोई ना कोई डे बना देते हैं कि हाँ भाई ये डे है तो इस डे मनाएंगे हम। देखिए है ना, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8 मई को, लिख लीजिए, 2021 मत लिखिएगा, हर साल मनाया जाता है। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे जो है 8 मई को लिख लीजिएगा, मतलब मनाया क्या, वैसा थोड़ी है कि दशहरा दिवाली की तरह सेलिब्रेट कीजिएगा। अवेयरनेस जगाने के लिए सारे न्यूज चैनल्स खोलिएगा उस दिन 8 मई को, देखिएगा सारे न्यूज चैनल पे एक बच्चा बैठा होगा, है ना, मतलब बच्चा नहीं सॉरी डॉक्टर्स बैठे होंगे और वो डिस्कशन कर रहे होते हैं थैलेसीमिया के केसेस के बारे में, कैसे हो सकता है, पेरेंट कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि उस बच्चे का बहुत बैड लक है, उसको फ्रिक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है ना। तो थैलेसीमिया क्या है, अपने आप में एक हॉरिबल डिजीज है, ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको केस? यस यस मैम। हाँ तो ये सब जो केसेस थे आपके किसके थे, थली वो फोटो मुझे नहीं मिली, काश उसी वक्त मैं क्या पढ़ा रही थी उस टाइम आपको, शायद सिकल सेल एनीमिया पढ़ा रही थी, मैंने सिकल सेल एनीमिया टाइप किया था तब थैलेसीमिया दिखा रहा था ये, अभी थैलेसीमिया है तो ये यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, ठीक। हाँ एक और तरीका है थैलेसीमिया का, हो सकता है पनेट स्क्वायर इसको समझ आए, थैलेसीमिया पनेट स्क्वायर खुद ही लिख दिया इसने, तब हो सकता है दे दे। एक तो यही है, मान लीजिए यहाँ पे जीन्स को लिखने की बात है, आप यहाँ पे समझिए, है ना, जीन्स को जो है यहाँ पे लिखने की बात है, जैसे बीटा थैलेसीमिया ये डी डी लिख के बना रहा है, क्या दिक्कत है, इसकी मर्जी है, ऑटोसोम्स है, हमें नहीं पता कैसे लिखना, मान लीजिए तो ये क्या कर रहा है, इस तरीके से आपको यहाँ पे समझा रहा है, कोई है यहाँ पे एक्स एक्स करके उसी पे आर, और खैर एक्स वाई तो नहीं लिखना चाहिए था, बीटा थैलेसीमिया का जो केस है कहीं ऐसा ना बच्चा इसको सेक्स लिंक्ड समझ ले, मेल फीमेल का केस दिखाने के लिए वहां पे ये जो है मैं ऐसे बनवाती हूँ ए ए करके, अब मैंने क्या क्लिक किया, ये क्या खुल रहा है, ये जो है ना, चलिए इसको हटाइए, ए कभी था ना ए ए का केस करके, हाँ ये भी ठीक है, बट ये बहुत गंदा लिखा है जिसने लिखा है, ये जो हाँ ऐसे बनवाती हूँ, सबसे अच्छा है ये, सबसे भाई ऑटोसोम्स है ये बिठा दो ऑटोसोम्स के लिए, है ना, सबसे अच्छा ऑटोसोम्स के लिए क्या करना है आपको, ए बिठा देना है, ठीक है। अब मैं इसको समझाती हूँ आपको, देखिए इसको समझिए, और इतना टाइम वेस्ट करें, इससे अच्छा तो आप ही लोग बना लेंगे, है ना, पनेट स्क्वायर है कि नहीं, बाकी मैं बना के बता दूंगी। देखिए ऐसे समझिए इसको, ये कैपिटल ए जो है यहाँ पे ये नॉर्मल है,
छोटा वाला एक हमने क्या किया, रिसेसिव बिठा दिया, मतलब ये जो है ये थैलेसीमिया को लीड करेगा। अब इसको और इसको देखिएगा ध्यान से, इसको और इसको देखिए, ठीक है। एक क्या है यहाँ पे नॉर्मल वाला कैपिटल ए है, फिर इधर से हाइलाइटेड क्या है ये स्मॉल ए है, स्मॉल ए है, ठीक है। इसका पनेट्स पर किसके साथ बनाया आपने, नॉर्मल वाला कैपिटल ए, और फिर अफेक्टेड वाला क्या हो गया, स्मॉल ए हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल वाला कैपिटल ए, अफेक्टेड वाला स्मॉल ए, जो मैं ए ए करके बना रही थी, ठीक है। अब ये जो बॉक्स है दैट मीन्स की 25%, इसका क्या मतलब है, 25% है, ठीक है, इसका गुड लक हो गया। ये है, ये उजला वाला जो यहाँ पे, ये जो मतलब व्हाइट वाला अनअफेक्टेड जिसको लिखा है, अनअफेक्टेड है, ठीक है। ये दोनों कैरियर है जो लिखा है यहाँ पे ऐसा, तो ये बॉक्स प्लस ये बॉक्स 50% हो गया, तो ये हो गया 50%। और ये अफेक्टेड वाला कितना हो गया यहाँ पे, ये जो पूरा ये आपने इस बच्चे को डार्क कर रखा था यहाँ पे, थैलेसीमिया वाला जो केस है ये, तो ये लास्ट वाला बॉक्स आया। तो इसको इसने क्या किया है, ऐसे फोटो के थ्रू समझा के रखा हुआ है, समझ आया? Yes, नहीं है ना आपको? हाँ समझ आ रहा होगा। अब एक यहाँ पे बेचारा ये आर आर लिख के बता रहा है, कैसे भी बताया, मुझे सबसे अच्छा ए ए वाला लगता है, है ना। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको समझाना स्टार्ट करती हूँ, पता चला जो बचा है वो भी उड़ जाए, है ना। तो हालांकि पिछले डे तो मैंने बहुत हद तक सब कुछ फॉर्मेट मारा, इसमें से सही किया, पता नहीं क्यों आप ही लोग की क्लास के टाइम में ऐसे चलता है, इसको जूम से दिक्कत है शायद, ये बहुत हैंग करता है इसमें, बाकी क्लासेस में ठीक चलता है, दूसरे ऐप से जहां से क्लासेस होती है ये ओपन ही नहीं हो रहा, फिर से ओपन करना पड़ेगा इसको, ये ओपन ही नहीं हो रहा, इसको फिर से ओपन करना पड़ेगा, थोड़ा सा 1 मिनट बस वेट कीजिए इसको, मुझे फिर से, मुझे लग ही रहा था कि बंद होगा शायद, कोई बात नहीं, मैंने पहले का सेव कर दिया था, वो रफ वाला पेज गायब हो जाएगा बस, बाकी सारी चीजें रह जाएंगी, है ना। चलिए नहीं नहीं मैंने इसी के अंदर ओपन किया था ना, मैं सोच रही हूँ क्रोम ओपन किया हुआ, ठीक है चला तो है। चलिए ये है रफ पेज है, बहुत अच्छा समझा आपने थैलेसीमिया को, क्योंकि पनेट स्क्वायर्स जो है वो आपके समझे हुए हैं, पनेट स्क्वायर समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। चलिए क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा ध्यान से आंसर देते जाइएगा साथ के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन जो है, किसी को कोई दिक्कत हो अभी पूछ लीजिएगा, आंसर तो खैर साथ में डिस्कस कर ही लेते हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन 11th क्लास से, फर्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटीन, विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन, विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन, मान लीजिए मैंने ऐसे एच बी लिख दिया, हीमोग्लोबिन लिख दूंगी तो बच्चा पकड़ ही लेगा, कौन सा प्रोटीन है इसमें, ग्लोबिन है ना, कौन सा प्रोटीन है इसमें, ग्लोबिन प्रोटीन है, ठीक है। ग्लोबिन के जो चेन्स होते हैं वो सब क्या है, प्रोटीनेशियस नेचर के हैं, जो मैंने 11th में आपको बायोमोलिक्यूल्स में बताया था। कई बार ऐसा होता है कि प्रोटीन्स के साथ कुछ एडिशनल चीजें लगी होती है, उसका जो फंक्शन है वो प्रॉपर कराने के लिए, जिसमें आपने क्या पढ़ा था कि आयरन जो है वो इसके साथ अटैच है। जिस दिन
इस आयरन ने बोल दिया ना कि भाई ग्लोबिन तुम अपने रास्ते और मैं यहाँ से चला और मैं निकला, उस दिन हीमोग्लोबिन की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है तो ग्लोबिन प्रोटीन लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ, what happens in the case of, मैं यहाँ पे नॉर्मल थैलेसीमिया पूछ रही हूँ, अल्फा बीटा मैंने अलग नहीं किया है, थैलेसीमिया तो बस थोड़ा सा समझा दीजिएगा कि अल्फा और बीटा चेन में यहाँ पे खराबी होती है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन, बच्चे को पूरा थैलेसीमिया चेक करना हो एक क्वेश्चन दे दो उसको, डिफरेंशिएट बिटवीन, डिफरेंशिएट बिटवीन अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर बता देंगे और कैसे जीन्स अफेक्ट करते हैं, अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है, बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है, ये सब कुछ लिखेंगे प्रॉपर टेबल बना के, तब जाके इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होगा। अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। Mention World Thalassemia Day, कब है ये? 8 मई। हाँ, World Thalassemia Day, हाँ, हो सकता है आप लोग नीट के एग्जाम में बैठे तो पूछा जाए आपसे, जब इन्वायरमेंटल डे या फिर वैसे पूछा जा सकता है तो ये क्यों नहीं पूछा जा सकता है ना। फिफ्थ क्वेश्चन लिखिए, विच क्रोमोसोम नंबर आवाज जा रही है मेरी? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, विच क्रोमोसोम नंबर इज अफेक्टेड इन अल्फा थैलेसीमिया, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 16।
फॉर क्रॉसिंग बिटवीन फॉर क्रॉसिंग बिटवीन वन होमोजाइगस वन होमोजाइगस नॉर्मल नॉर्मल फीमेल पेरेंट एंड अनदर हेट्रोजाइगस अनदर हेट्रोजाइगस फिनोटिपिकली फिनोटिपिकली नॉर्मल पेरेंट फिनोटिपिकली नॉर्मल पेरेंट फिनोटिपिकली नॉर्मल मेल कैसे बनेगा पता है ना ये जिसको भी मैंने दिया है इस क्वेश्चन के आंसर को बनाने में क्या करेंगे मैं बताती हूँ कैसे लिखेंगे इस पर मैंने आपको जो भी बनाने को दिया है मान लीजिए नेक्स्ट पेज में लिखती हूँ मैंने फीमेल को बोला है कि ये क्या है नॉर्मल है तो इसको कैपिटल ए लिख दीजिए ठीक है मेल को मैंने बोला ये हेट्रोजाइगस मतलब ये छोटा वाला अफेक्टेड जीन है इसके पास तो जीनोटिपिकली ही आपको रिप्रेजेंट करना है इसके पास रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा 50% तो टोटली नॉर्मल होंगे 100% फिनोटिपिकली नॉर्मल होंगे बट जीनोटिपिकली हम लोग बात करेंगे तो 50% जो है बिकॉज 25% प्लस 25% तो यहाँ पे 50% जो है ये कैसे होंगे नॉर्मल ये है बिल्कुल और बाकी के जो 50% यहाँ पे बचे ये जेनोटिपिकली कैरियर हैं हेट्रोजाइगस का मतलब ही यहाँ पे थैलेसीमिया के केस में क्या होता है कैरियर होता है तो ये बना लेना है आपको सेम यही बनाना है और इसी को आपको रिप्रेजेंट करना है ये क्या है ये क्या है प्रोबेबिलिटी क्या है सब कुछ आपको क्या करना है वहाँ पे मेंशन करना है ठीक है चलिए सिक्स क्वेश्चन हो गया था है ना सिक्स हुआ था ना अभी नेक्स्ट लिख लेती हूँ मैं हाँ सिक्स हुआ था चलिए सेवेंथ लिख लीजिए सेवेंथ क्वेश्चन मेंशन द टाइप ऑफ मेंशन द टाइप ऑफ थैलेसीमिया मेंशन द टाइप ऑफ ये क्वेश्चन मैं पूछ कुछ और रही हूँ हो सकता है कुछ और समझ लें आप लोग इसको मतलब मेरा यहाँ पे पूछने का मतलब है ना कि ये थैलेसीमिया जो है ये क्या है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है कहीं ऐसा ना आप लोग लिखे कि ये टाइप का मतलब पूछ रही है कितने टाइप का होता है अल्फा थैलेसीमिया बीटा थैलेसीमिया आपने लिख लिया मेंशन द टाइप ऑफ थैलेसीमिया इसके ब्रैकेट में मैं कुछ डाल देती हूँ ताकि आपको पता चले मैं क्या पूछ रही हूँ जेनोटिपिकली कर दीजिए जेनो टिपिकली अब शायद समझ जाइए आप लोग ऐसे मैंने बता दिया मैं पूछ कर रही हूँ जेनोटिपिकली ठीक है एट क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे इन विच टाइप ऑफ थैलेसीमिया इन विच टाइप ऑफ थैलेसीमिया इन विच टाइप ऑफ थैलेसीमिया क्रोमोसोम नंबर इलेवन इज अफेक्टेड आंसर क्या होगा इसका
बीटा थैलेसीमिया, हाँ कौन से टाइप में 11 नंबर का जो क्रोमोसोम है ये अफेक्टेड होता है। 9th क्वेश्चन लिखिए, नेम 3 जेनेटिक डिसऑर्डर्स विच आर रिलेटेड विथ विच आर रिलेटेड विथ विच आर रिलेटेड विथ ब्लड डिजीज। समझ गए क्वेश्चन? यस मैम। क्वेश्चन सब है ना, ब्लड डिजीज ऐसा क्वेश्चन भी दिखेगा। इसका मतलब है सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, तीन का मैंने यहाँ पे ना, और भी होते हैं बट अभी जो है एनसीईआरटी की वोट तीन का नाम जो है वो आप लोग लिख दीजिएगा। 10th क्वेश्चन लिखिए, 10वां क्वेश्चन है आवाज जा रही मेरी? यस मैम। चलिए उसका वो ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया तो उसका कनेक्ट कर दिया मैंने। राइटर लास्ट मतलब 5 मिनट्स और हैं तो मैंने सोचा इसी का ऑन करके काम कर देते हैं। राइटर नोट ऑन थैलेसीमिया, इसको डिटेल में अच्छे से कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा कि आपसे एक भी क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग मिस ना हो।